हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP48 ब्लॉग्स। तो गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है, सुबह हो चुकी है एंड हम लोग नहा धोकर रेडी हो चुके हैं और अभी जाएंगे पहले नीचे हम धर्मशाला एंड उसके बाद अपने काम से फ्री होकर वापिस आएंगे भागसूनाग की तरफ। तो चेकआउट करते हैं पहले होटल से एंड मिलते हैं रोड में। तो हम लोग निकल चुके हैं मेट्रो से धर्मशाला के लिए और अभी थोड़ी सी देर में पहुंचेंगे हम धर्मशाला। तो कचहरी के पास में वहां अपना काम है PWD ऑफिस में थोड़ा सा, तो वो ख़त्म करके हम लोग आएंगे वापस मेट्रो एंड भागसूनाग। और देख सकते हो आप हरियाली भरे रास्ते, मज़ेदार। तो इनमें जो गर्म लोग बढ़ रहे हैं अभी आगे की तरफ, तो ज़रा से टाइम में पहुंचेंगे हम। अभी यहां से पहले कोतवाली बाज़ार, कोतवाली के बाद नीचे कचहरी और काम ख़त्म करके फिर निकलेंगे अपनी मौज पे। ओह, बढ़ते हैं आगे। हमारा काम हो चुका है ख़त्म एंड उसके बाद अभी हम हो चुके हैं फ्री। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो ब्रेकफास्ट अभी हमारा आ रहा है, पूरा खाली है रेस्टोरेंट अभी। हम लोगों ने कब्जा लगाया हुआ है दो लोगों ने यहाँ पर, तो अभी आएंगे हमारे आलू के पराठे। तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, आलू के पराठे दिख गई। अभी ये हम लोग खाएंगे एंड निकलेंगे फिर ऊपर की तरफ। तो शुरू करते हैं। तो ये वो जगह है जहाँ हमने अभी ब्रेकफास्ट किया एंड अभी हम जा रहे हैं उस वाली तरफ। तो ऊपर जाएंगे और सामने व्यू आप देख सकते हो धौलाधार माउंटेन्स का। कल थोड़े बादल थे, अभी प्रॉपरली क्लियर दिख रहा है। तो उस वाली तरफ अभी हम जाएंगे। तो चलते हैं, पहले हम जा रहे हैं PG कॉलेज हमारे एक भाई से मिलने, तो वहाँ मिलकर उसके बाद जाएंगे ऊपर की तरफ। तो धर्मशाला का अपना काम कंप्लीट करके हम लोग वापस पहुँच चुके हैं मैकलोडगंज दोबारा से, और हमें एक भाई से मिलना था अपने, तो उससे भी मिलकर आ गए हैं हम लोग। और अभी हैं हम यहाँ अपना मैकलोडगंज दलाई लामा टेम्पल रोड पर। तो अभी जा रहे हैं हम दलाई लामा टेम्पल, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं टेम्पल। आई थिंक अभी तो खुला होगा, रात का टाइम तो बंद था जब हम रात में गए थे, तो उस टाइम टेम्पल खुला था। तो अभी देखेंगे क्या सीन है। ट्रैफिक बहुत है एक तो इस रोड पर, तो आस पास देख के चलना पड़ता है। हम लोग पहुंच चुके हैं दलाई लामा टेम्पल और ये अभी बढ़ रहे हैं हम टेम्पल की तरफ। ये सामने दिख रहा है मंदिर, हाँ दलाई लामा टेम्पल। अभी देखते हैं अभी खुला है, हाँ मंदिर खुला है। अभी रात के टाइम बंद था, जिस टाइम हम रात के टाइम आए थे उस टाइम मंदिर बंद था। तो अभी हम चलेंगे पे अपनी चस्त, इसको अभी अपन घुमाएंगे।
तो हम लोग जा रहे हैं अभी भागसू, और भागसू हम लोग जा रहे हैं मैक्लोडगंज से पैदल। बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बहुत नल्ले हैं इस मामले में, चलने के मामले में। तो अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि पैदल चलते हैं आगे की तरफ, थोड़ा बढ़िया रहेगा, मज़े से जाएंगे, आराम से वापस आएंगे पैदल चल के। तो बाइक पर तो सीधे भागम भाग वाला सिस्टम रहता है, तो वो नहीं होगा, आराम से चल रहे हैं। और ये सामने मैक्लोडगंज का व्यू, और ये रास्ता हमारा भागसू की तरफ का जहाँ हम अभी जा रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। पैदल पैदल चल के हम लोग पहुंच चुके हैं भागसू। तो पहले तो आपको लेकर चलते हैं भागसू मंदिर, और उसके बाद जाएंगे हम भागसू वाटरफॉल। तो अभी हम है यहाँ पर, जैसे तो थोड़ा सा आगे चलकर मंदिर है भागसू नाग, तो 5 मिनट में हम पहुंचेंगे टेंपल, एंड उसके बाद 15 मिनट लगेंगे वाटरफॉल के लिए। तो फाइनली पहुँच चुके हैं हम भागसू नाग टेम्पल। बट टेम्पल कहाँ है, कुछ तो गलत है भाया। मंदिर दिख चुका है हम लोगों को, कौन सी वाली तरफ मंदिर है। तो बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, उस सबसे पहले मंदिर से पहले दिखेगा स्विमिंग पूल, और सामने स्विमिंग पूल, लोग नहा रहे होंगे, नहाएंगे क्यों ठंड में। बट पर हम लोग पहुँच चुके हैं, ओ भाई नहा रहे हैं लोग, काफ़ी हिम्मत है इन लोगों में, मैं तो घर पे ना नहाऊँ ठंडे पानी से। तो ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं भागसू नाग, एंड क्राउड काफ़ी है यहाँ भी। उसके बाद जाएंगे हम आगे, देखते हैं फोटो वगैरह क्लिक करेंगे अभी यहाँ। तो इस वाली तरफ से आ रहा है स्विमिंग पूल का पानी, वो आप देख सकते हो सामने। इसके बाद यहाँ पर भी सिक्के चढ़ाए हुए हैं लोगों ने, आप देख सकते हो कॉइन्स सामने दिख रहे हैं नीचे पानी में। तो इसके बाद जो है हम जाएंगे इस वाली तरफ, और इस वाली तरफ से होकर हम लोग पहुँचेंगे अभी भागसू वाटरफॉल। और ये स्विमिंग पूल का आप पूरा प्रॉपरली वो देख सकते हो। तो ये रास्ता है वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए, तो इस वाली तरफ अभी हम लोग जाएंगे आगे। भगवान भोलेनाथ की मूर्त। तो वापिस आते टाइम देखते हैं अगर बना तो। ये देसी फ्रिज, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स ठंडी करने के लिए देसी फ्रिज, तगड़ा सिस्टम है ये भी। और ये ऊपर की तरफ लॉकडाउन कैफे, और बढ़ेंगे हम आगे की तरफ। तो वो दिख रहा है सामने भागसू वाटरफॉल, जहां हम लोग अभी जा रहे हैं। और ये रास्ता है सामने की तरफ, जिस रास्ते पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वाटरफॉल की तरफ। और क्राउड आप देख सकते हो सामने से, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और हम भी बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो बढ़ रहे हैं हम, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं हम, और ये तगड़ी चीज़ बना दी हुई है कूड़े से, कूड़ा भर भर के, बियर की बोतलें और पता नहीं क्या कुछ, तगड़ी चीज़ें ये भी। तो बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते, सांस फूल गई है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते।
पहुंच चुके हैं हम भागसू वाटरफॉल और पसीने निकल गए हैं धूप में चढ़ाई चढ़ते चढ़ते। काफ़ी गर्मी आ चुकी है, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है बर्फ़बारी चल रही थी और आज पसीने, और सामने दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल, तो वो सामने दिख रहा है वाटरफॉल। हम लोग पहुँच चुके हैं वाटरफॉल, तो सीधे वहीं से आपको वाटरफॉल का प्रॉपर व्यू दिखाता हूँ। तो ये हम लोगों को फिर से मिल गया है चियू का पुल, बट रास्ते से बाहर है, हमारे पहुँच से भी बाहर है, नहीं तो खाते हम लोग इसको अभी, बट ना हो पाएगा ये। तो वो सामने वाटरफॉल और हम पहुंच चुके हैं बहुत ही पास वाटरफॉल के, अभी हम लोगों को 5 मिनट लगेंगे ओनली वहां पहुंचने के लिए, तो हम पहुंचेंगे 5 मिनट में वाटरफॉल। फाइनली पहुंच चुके हैं हम, काफ़ी क्राउड दिख रहा है, देखो भाई काफ़ी क्राउड है आगे, और वो सामने वाटरफॉल, और देख सकते हो आप भागसू वाटरफॉल। तो बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे, ये नदी नीचे की तरफ जा रही है वाटरफॉल की तरफ से, ऊपर से वाटरफॉल का पानी ये बह रहा है नीचे की तरफ, वाटरफॉल लोग अपने अपने तरीके से इंजॉय करते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पहले हम खरीदेंगे एक एनर्जी ड्रिंक, पिंक पियेंगे फिर उसके बाद। तो वाटरफॉल वाटरफॉल वाटरफॉल, तो ये आप देख सकते हो नज़ारे यहाँ के, क्राउड यहाँ पर और यहाँ का आसपास का व्यू। तो वो वहाँ सामने मंदिर है कोई, मुझे कोई आइडिया नहीं है कौन सा मंदिर है। तो ये रास्ता उस तरफ जाता है, देखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अगर हो पाया तो चल लेंगे जाएंगे, अगर नहीं चल पाए तो कोई चक्कर नहीं, दूर से ही जय माता दी, क्योंकि बैंड बज चुकी है, पसीने पसीने हो चुके हैं हम। तो ये है भागसू वाटरफॉल, वाटरफॉल का फुल ऑन व्यू, और ये वाटर क्रॉसिंग अभी कभी क्रॉस कर रहा है, और मैं भी अभी इसी रास्ते पे अभी इसी तरफ जाऊंगा। तो यहाँ से हम करेंगे आगे की तरफ क्रॉस, ये आप देख सकते हो ठंडी पानी की फुहार और कुछ मज़ेदार। वाटरफॉल के बाद रेनबो बन रहा है छोटा सा, यहाँ पर जैसे बन रहा है एक हल्का सा रेनबो, वो कैमरा में इतना क्लियर नहीं दिख पा रहा है, काफ़ी सुपर लग रहा है ये। और ये आप देख सकते हो छोटी सी झील, वो काफ़ी डीप है ये, यहाँ से देखकर लग रहा है क्योंकि वहाँ पर पानी का कलर ही ब्लैक दिख रहा है, आप सोच सकते हो काफ़ी डीप है। आगे जाना रिस्की है, वहाँ पर वैसे भी कोई जाएगा नहीं, बट रिस्क भरा काम है ये। और पानी की हल्की हल्की फुहार फेस पे लग रही है, बिल्कुल ठंडी और कुछ मज़ेदार, ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर लोग आसपास मजे कर रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। तो ये आ चुका है हमारा एनर्जी बूस्टर, और ये साथ में पेड़ पूजा के लिए छोटू सा लेज, और सामने वाटरफॉल, और यहाँ पर हम तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि कब आगे करना क्या है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं आगे का। तो बहुत ही शानदार वाटरफॉल का व्यू नज़ारा, रेनबो अभी भी दिख रहा है यहाँ से, और लोग फोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं पानी में जा जाकर, तो इतना तो हमसे ना हो पाएगा, बट ये है कि वीडियोग्राफी हम कर सकते हैं, और देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। हो सकता है शायद हम आज ही घर के लिए वापस निकल जाएं, तो वो कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये वाटरफॉल का व्यू, लोग आसपास, और ये दूसरी तरफ का,
वो वहाँ से रास्ता लोग आ रहे हैं, वहाँ से अभी बहुत लोग आ रहे हैं, काफ़ी क्राउड बढ़ेगा अभी भी यहाँ पर। तो हम लोग तो वापस मुड़ने की कगार पर हैं अब। तो मैं चढ़ चुका हूँ इतनी बड़ी हाइट के ऊपर और यहाँ पर पानी की फुहार आ रही है बहुत ही बढ़िया ठंडक भरी। जो पसीना वगैरह हालत ख़राब हुई थी वो सब तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ठीक हो चुका है यहाँ के ठंडे माहौल की वजह से। और पानी के अंदर कुछ वाइट वाइट सा दिख रहा है मुझे, पत्थर है, आई थिंक पत्थर है, तगड़ा लग रहा है यहाँ से और ठंडक हर कुछ। इस तरफ का वहाँ से वो सामने वहाँ खड़ा है अजीत, तो अभी हम जाएंगे यहाँ से घर की तरफ, थोड़ी सी देर में निकल जाएंगे। डिसाइड हो गया है कि आज हम निकल जाएंगे, अब घर आज इतना नहीं है हम लोगों को, तो आज का देखते हैं क्या सीन बनता है। तो ये यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, सभी अपना अपना अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जैसे मैं अपने काम से लगा हुआ हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ, वैसे लोग अपना अपना सभी लोग कर रहे हैं। तो अभी हम निकलेंगे यहाँ से और वो सामने भागसू, तो बहुत पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बाइक मैक्लोडगंज छोड़कर आ गए हैं, तो मैक्लोडगंज तक हम लोगों को पैदल ही जाना है अब। तो चलते हैं मैक्लोडगंज की तरफ, बढ़ते हैं अभी आगे और देखते हैं क्या सीन बनता है। तो फाइनल व्यू आपको दिखाता हूँ लास्ट यहाँ से वाटरफॉल का, और फिर निकलते हैं हम घर की तरफ। ये बीच में झरने के नीचे छोटा सा तालाब, ऊपर झरना काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पानी भी काफ़ी है, तो मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अभी भी निकल रहे हैं घर के लिए, हो चुका है हमारा काफ़ी देर यहाँ पर रुके वाटरफॉल के पास, तो अभी निकल रहे हैं हम घर की तरफ वापस, वो देखते हैं क्या सीन बनता है आगे का। रुकने का तो आज प्लान कैंसिल है क्योंकि निकलना पड़ेगा, कल वीकेंड है, तो वीकेंड पे घर पहुँच जाएँगे। परसों संडे है तो संडे का कुछ नया सोचना पड़ेगा, क्या सीन रहता है संडे का, तो देखते हैं कुछ क्या सिस्टम है। वो वाटरफॉल घूमने के बाद और यहाँ पर थोड़ी देर मज़े करने के बाद, मज़े मीन्स मतलब पीसफुल प्लेस है, पीसफुल भी चले नहीं क्योंकि क्राउड काफ़ी था। तो निकले हैं हम घर के लिए, निकल चुके हैं यहाँ से, तो यहाँ से पैदल हम लोगों को अभी मैक्लोडगंज तक जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बाइक मैक्लोडगंज छोड़ कर आ गए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आपको, और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।